बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला। रमज़ानुल मुबारक का आज 29वां रोज़ा है। पूरी दुनिया में तकरीबन 200 करोड़ लोग इस मुकद्दस महीने में अपने रब को राज़ी करने के लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी, अपने मामूलात गुजारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दीन हमें अता फरमाया, इसमें खुद एहतसाबी की बहुत सारी बातें इब्तदा से आज तक हमें सिखाई गई कि हर एक काम में पहले ये देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अमल कैसा है। आज 29वां रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक के कुछ वाक़यात की बात नहीं होगी, आज हम इस बात के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इन 29 दिनों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। ये रमज़ान के 29 दिन कैसे गुजरे, इन 29 रातों में हमने क्या किया है। अगर तो ये रमज़ान के 29 दिन और रमज़ान की ये गुजर गई 30 रातें जो अब तक गुजर गई हैं, वो इस बात की आपको तसल्ली दे रही हैं, आपके दिल को अगर वो इत्मीनान देती हैं, वो दिन वो रातें जो ये अभी पीछे इस महीने में गुजर गई, वो बार बार आपको इत्मीनान दिलाती हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फलां फलां गुनाह नहीं किए, मैंने फलां फलां बेईमानी नहीं की, फलां फलां झूठ नहीं बोला है, फलां फलां आंखों से जिना नहीं किया, मैंने फलां के लिए गीबत नहीं की, फलां की बुराई नहीं की, मैंने फलां का नाहक माल नहीं खाया है। अगर तो ये 29 दिन का ये गुजर गया वक्त जो दुनिया का आला तरीन वक्त है, कोई मामूली वक्त नहीं है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक जगह फरमाते हैं कि रमज़ान का किसी से एक रोज़ा छूट जाए और फिर वो सारी ज़िंदगी जितने रमज़ान आए उनके भी रोज़े रखे और फिर बाकी दिनों में भी रोज़े रखे, लेकिन जो रमज़ान का एक रोज़ा छूट गया उसके बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकता, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है जो एक छूट गया। तो ये 29 दिन कैसे गुजरे, क्या इन 29 दिनों में मोहब्बत बांटी गई है, क्या इन 29 दिनों में लोगों को माफ़ किया गया है, क्या इन 29 दिनों में रमज़ान की नमाजें जमात से अदा की गई हैं, क्या इन 29 दिनों में किसी गरीब को झिड़का तो नहीं किया, क्या इन 29 दिनों में घर के मामलात अच्छे रहे हैं, क्या इन 29 दिनों में हराम माल आया तो लौटा दिया गया है, क्या इन 29 दिनों में किसी से जिना का इरादा हुआ तो तौबा कर ली गई है। अगर ये 29 दिन ये कहते हैं मुसलमानों कि तुमने ये अच्छे गुजारे हैं, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। जब तक हम खुद एहतसाबी पर नहीं उतरेंगे, जब तक अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखेंगे, तो फिर दुनिया को कोसने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम अपने गिरेबान में झांक के अपना अंदरून साफ नहीं कर लेते, तब तक हमारी कोई रहनुमाई नहीं कर सकता है। आज जुमा है, कभी सोचा है ये इतना बड़ा दीन पूरी दुनिया में कैसे पहुंचे, ये पूरी कायनात में कोई चीज मिले ना मिले एक चीज मिलती है, क्या? वहां जाओ शाम को जहां सूरज डूबता है, कोई नहीं सिवाय अल्लाह अकबर की सदाओं से, और वहां जाओ जहां सुबह को सूरज निकलता है, कोई नहीं सिवाय अल्लाह अकबर की सदाओं से। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क, कोई भी मुल्क, चाहे उसमें हुकूमत किसी की भी हो, दुनिया का कोई ऐसी रंग, कोई नस्ल, कोई ऐसी जुबान, कोई ऐसी हवा, कोई खित्ता ऐसा है जिसमें थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग ना मौजूद हों, ये इतना बड़ा इनकलाब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया, ये इतना बड़ा इनकलाब कि आज भी दुनिया की फिरका परस्त ताकतों को इससे तकलीफ होती है, ये इतना बड़ा इनकलाब कि आज भी दुनिया के गुंडे इस इनकलाब से डरते हैं, ये इतना बड़ा इनकलाब कि पूरी कायनात के अंदर जिसने एक शम्मा रोशन कर दी, ये बर्पा कैसे किया कि पूरी दुनिया में मुसलमान प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस्लाम की तारीख तो उठाएं, अबू जहल ने नबी अलैहि सलाम के खिलाफ साजिश की और अबू जहल गवर्नर है, अबू जहल इक्तदार में है, अबू जहल मालिक है मक्के का, अबू जहल अरब के अंदर शोहरत रखता है, अबू जहल के पास फौजें हैं, इक्तदार हैं, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले हैं और अबू जहल ने इस्लाम के खिलाफ साजिश शुरू की, रसूलुल्लाह ने चलना शुरू किया, अबू जहल पीछे हटता गया, रसूलुल्लाह चलते रहे और फिर पूरे अरब में दीन पहुंचा, अरब से बाहर निकला, अबू जहल के चेले पीछे हटते रहे और फिर पूरी दुनिया की हुकूमतों ने जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद दीन पूरी कायनात में हर जगह पहुंचा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह इनकलाब बर्पा किया है, यह इनकलाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बर्पा किया। कैसे बर्पा किया? क्या अच्छा सिर्फ कोई जंग जीत के किसी को अपने साथ रखा जा सकता है? अगर सिर्फ जंग जीत के किसी का ईमान बदलना हो तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहादुर कौन है मक्के में? कौन है खत्ताब के बेटे से बड़ा जर्नल? लेकिन उन्होंने अपनी तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में रखी और गुलामी कबूल की। क्यों? कौन है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जाहो जलाल वाला खानदान का फर्द जो पैदाइशी शहजादा हो? उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना अमीर बनाया, खातिमुन्नबियीन तस्लीम किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इक्तदा की, रसूलुल्लाह की गुलामी को पसंद फरमाया। ये हुआ कैसे? रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, इस जुमे को जिसको जुमतुल विदा कहने आए हो, ये जान लो कि रमजान का ये महीना हम तक पहुंचा कैसे, ये दीन हम तक पहुंचा कैसे? क्या हमारे खानदान में कोई अरबी है? क्या हमारी नस्लों में से कोई मदीने से आया? नहीं ना आया। अगर काले अफ्रीकों को पूछो वो कहते हैं हमारे पास भी कोई, हमारी नस्ल में भी कोई खानदानी रिश्तेदारी नहीं है। अगर नीगरों को पूछो वो भी कहते नहीं है, चाइनीज मुसलमानों को पूछो वो भी कहते नहीं है, लेकिन अगर खून का रिश्ता नहीं है तो वो कौन सा रिश्ता है? वो रिश्ता कौन सा है? अगर कोहे कफकास की पहाड़ियों में किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे और आपको उसका पता लगे तो आप अपने दिल में दर्द महसूस करते हो। ये इनकलाब अगर किसी ने बर्पा किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कैसे किया? कैसे? सोने मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, दुनिया बिखरी हुई थी। रसूलुल्लाह दुनिया में आए, दुनिया में सरमायादारों का बोलबाला था। रसूलुल्लाह दुनिया में आए, बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था। रसूलुल्लाह दुनिया में आए, गुलामों के हाथ पैर काट दिए जाते थे। रसूलुल्लाह दुनिया में आए, ऊंच नीच के पर इतने पहाड़ खड़े थे कि कोई सांस नहीं ले सकता था। रसूलुल्लाह दुनिया में आए, छुआछूत की वजह से लोगों को इबादतगाह में जाने की इजाजत नहीं थी, दुनिया बिखरी हुई थी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं, सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने आला किरदार के साथ, अपने अल्लाह के उस पैगाम के साथ जिसमें वहदानियत है, जिसमें लिल्लाहियत है, जिसमें इत्तफाक है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें अकूवत है, जिसमें प्यार है, जिसमें इत्तफाक है, उस पैगाम के साथ पूरी दुनिया के लोगों को जब ये बताया कि आओ मैं तो मिलावट खत्म करने आया, इबादत में मिलावट खत्म करके तौहीद अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने फिर अपने नबी अलैहि सलाम के लिए ऐलान किया कि इनको खातिमुन नबियीन बना दिया। नबूवत के अंदर भी आने वाले दिनों में अगर कोई मिलावट करना चाहेगा वो भी दूर फरमा दी। देखो तौहीद के अंदर
मिलावट को ख़त्म किया, लोगों को एक खुदा से जोड़ दिया और नबुवत में ऐलान हो गया कि अब रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नहीं आने वाला। तो रसूलुल्लाह ने जब ये कर दिया तो क्या किया? सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह आपको माना, आपके रब को माना, अब करना क्या है? सुनो मुसलमानों, हम तक दीन कैसे पहुंचा? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान किया कि जिसने अल्लाह को मान लिया, जिसने रसूलुल्लाह को मान लिया, अब उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा, अब उस पर लाजिम है कि वो इंसानों से छुआछूत नहीं करेगा, अब उस पर लाजिम है कि दुनिया के तमाम इंसानों की भलाई के लिए घर से निकलेगा। अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाला हो गया, वो दुनिया में मोहब्बत बांटने वाला हो गया, दुनिया में इत्तफाक बांटने वाला हो गया, दुनिया में इज्जतें बांटने वाला हो गया। और दुनिया तो तड़पती किस बात पे थी? लोग कहते थे कि हमारे पास रोटी है, कपड़ा है, अगर कुछ नहीं है तो इज्जत नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने हमारे सरों पर इज्जत अता फरमा दी। इज्जत दी ना, ऐसे ही नहीं, आज भी मक्के में जाओ, मदीने में जाओ, इस मस्जिद में आओ, चाहे दुनिया की कोई मस्जिद हो, रसूलुल्लाह ने इज्जत कैसी बांटी? अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलारू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। कहता कि अगर नमाज का वक्त आ गया ना लड़ाई में भी, तो किबले की तरफ मुंह कर लिया सारी दुनिया के मुसलमानों ने। और फिर कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद कौन है? महमूद बादशाह है। अयाज कौन है? अयाज गुलाम है, काला है। अयाज बादशाह को जूतियां पहनाने का काम है उसका। देखो रसूलुल्लाह ने कैसा दीन अता फरमाया। कहता आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये वो इनकलाबी पैगाम है। कौन सा? कि रसूलुल्लाह ने कहा कि आओ एक अल्लाह की इबादत और रसूलुल्लाह की इताअत के साथ हम दुनिया में से नफरत खत्म करेंगे, हम ऊंच नीच खत्म करेंगे, हम इंसानों के अंदर जो एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं उस नफरत को, ये उन मोहब्बतों की बदौलत है। दुश्मन जो है इस्लाम का, वो बेहतरीन हथियार ला सकता है, बेहतरीन हुकूमत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये फन नहीं ला सकता कि एक बिलाल अफशी जैसा काला और अबू बकर सिद्दीक जैसा सैयद एक ही प्लेट में बैठ के खाना खाएं। ये दुश्मन ये फन नहीं ला सकता है। ये रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। इस बात को समझ लें आज कि हर एक मुसलमान इस्लाम का नुमाइंदा है। हमारा काम मोहब्बतें बांटना है, नफरत करना नहीं है। जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं हम उनका जवाब नहीं देते, हमारा किरदार उनका जवाब देता है, हमारा किरदार उनका जवाब देता है। मुसलमानों के कारनामे, मुसलमानों की मोहब्बतें, मुसलमानों का इत्तफाक, मुसलमानों के अंदर खलूस, मुसलमानों की गरीबों से मोहब्बत, मुसलमानों का गरीब का, गोरे और काले का एक सब में खड़े होना, हमारा प्रैक्टिकल समाज जो है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हम जो ग्रास रूट के ऊपर हैं, वो हमारी ज़िंदगी बताती है दुनिया को कि लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट सबसे अच्छा बना के रखेंगे। देखो अल्लाह ने आपको कैसी दौलत दी। आज दुनिया कितनी तरक्की पे, दिल पे हाथ रख के सोचो, मस्जिद में बैठे हैं सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान। अगर किसी मुसलमान को आज सड़क पे चलते हुए 1,000 रुपये, 5,000, 2,000, 2 रुपये भी मिल जाएं, तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि ये हलाल के हैं या हराम के हैं। वो अपनी मस्जिद के इमाम को पूछता है इनका करना क्या है, कि यह नेमत नहीं है अल्लाह की कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एहसास बेदार रखा हुआ है कि हलाल और हराम की तुम्हें तमीज दी, इससे बड़ी नेमत कौन सी होगी? आज अगर किसी मुसलमान के कपड़ों पे पेशाब का एक छींटा पड़ जाए
एक छींटा किसी मुसलमान के लिबास पर, एक कतरा अगर पेशाब का लग जाए बेचैन हो जाते। और कोई अगर बोले कि चलो मस्जिद में, कोई बोले कि नमाज पढ़ो, कोई बोले कि आओ तस्बीह करें, तो क्या कहता है कि मैं नापाक हूं, जबकि देखने में कपड़े खूबसूरत हैं, देखने में साफ सुथरे हैं। दिल में पाकी और नापाकी का ये एहसास किसने दिलाया? इससे ज्यादा खूबसूरती और तुम्हें क्या चाहिए? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अता करदा दीन है। गुनाह होता है तो गुनाह को छुपाता है, किसी मुसलमान से कोई गुनाह होता है तो गुनाह को छुपाता है, कोशिश करता है किसी को पता ना लगे, अपने रब के आगे शर्मिंदा होता है, अपने रब के हुजूर शर्मिंदगी के आंसू बहाता है। रोजा रखने के बाद कोई लड़ता है तो कहता है कि मेरा रोजा है। रोजा रखने के बाद कोई कुछ झूठ बुलवाना चाहता है तो कहता मेरा रोजा है। अरे इतने खूबसूरत दिल अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिए, तो इससे बड़ी नेमत और क्या होगी? आज के दौर में जब दुनिया पैसे के पीछे मरी जा रही, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर नूर रख दिया, जो हलाल और हराम की तमीज को समझता है, जो गुनाह और नेकी की तमीज को समझता है, जो अपने और पराए के दरमियान में मोहब्बत को डालने की तमीज को समझता है। इससे बेहतर और कौन सी शय चाहिए? दौलत, पैसे, रकमें, इज्जत, शोहरतें, ये तो आनी जानी, तसल्ली तो उस बंदे को है जिसका दिल साफ है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह हमसे क्या चाहते हैं? कि हम मोहब्बत बांटने वाले हों। रमजान में हम क्या करते हैं? मोहब्बतें बांटते हैं। जकात क्यों देते हैं? ताकि गरीबों की मदद हो जाए। फितरा अभी ईद आने वाली है, कल या परसों फितरा कैसे अदा होगा? फितरा क्यों रखा ईद के साथ? फितरा कहते हैं एक खास किस्म की रकम को, कुछ उलमा ने लिखा है 1.5 शेर, कुछ ने लिखा है 2.5 किलो। आजकल का अगर हिसाब लगाएं, मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम ने लिखा है कि कम से कम 2.5 किलो की कीमत लगाई जाए गेहूं की या खजूरों की, जो ईद की नमाज पढ़ने से पहले देना है। बात फितरा सिर्फ देने की नहीं है, बात यह है रसूलुल्लाह ने फितरा देने के लिए क्यों कहा? इस्लाम की खूबसूरती देखें, हम नमाज ईद पढ़ने जा रहे हैं, रसूलुल्लाह के हुक्म है कि फितरा दे के नमाज ईद पढ़ो, फितरा दे के नमाज ईद पढ़ें, इससे क्या होगा? इस्लाम कहता है कि जब तुम फितरा दोगे तो फितरा उन गरीब लोगों को देंगे जो ईद की खुशी नहीं मना सकते, उनको देंगे जिनके घर में खाना नहीं है, उनको देंगे जिनको ज़रूरत है, ताकि तुम भी ईद की खुशी मनाओ और गरीब भी तुम्हारे साथ ईद की खुशी मनाए। ईद जैसे मुकद्दस दिन पे भी ये कह दिया कि अकेले खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। जब खुशी मनाने के लिए निकल रहे हो तो साथ में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी अपनी खुशी के अंदर शरीक कर लो भाई। और इसको लाजिम कर दिया, कितना प्यारा दीन है, लाजिम कर दिया कि अपनी खुशी मनाने से पहले आपा था जड़ा फितरा दिन ने आजकल ना कही, मदरसे वालों को तो जरूरत है ही, चलो मदरसे वाले ज्यादा मुस्तहिक हैं, लेकिन फितरे के नहीं है। मेरी ये बात बहुतों को शायद अच्छी ना लगे, फितरा देना किसको था, बनाया क्यों है, लाजिम क्यों किया गया? सबसे पहले फितरा देने वाले पर लाजिम है कि फितरा देने से पहले वो अपने पड़ोसियों को देखे, अपने रिश्तेदारों को देखे, अपनी जान पहचान वालों को देखे, जिस सड़क से गुजरता है उधर देखे। अगर इन रास्तों में, अगर इनके जानने पहचानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहताज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में ईद की खुशियाँ नहीं मनाई जा सकती, कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो अपना दरवाज़ा बंद करके किसी के आगे सवाल नहीं करते, तो इसको किसने कहा कि फितरा जाके 500 किलोमीटर पर देता? फिर जिस जगह रहता है, जिस जगह नमाज पढ़ता है, जिनके साथ ताल्लुक रखता है, फितरे की रकम पहले उन मुस्तहिक लोगों को देना जरूरी है। उसके अलावा कहीं और फितरा बांटने का रस्म नहीं है इस्लाम के अंदर। उनको भूल जाओ,
कई बाहर के मुल्कों में बैठे हैं तो वो यहां फोन कर देंगे इंडिया अपने रिश्तेदारों को कि हमारा फितरा भी तुम दे देना। अल्लाह के बंदे, जहां तुम रह रहे हो फितरा उस रकम का अदा होगा जो रोटी तुम खा रहे हो। अगर कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई सऊदी अरब में रहता है और रोजाना 100 पाउंड खर्च करता है तो उसका फितरा यहां 50 रुपए में अदा होने वाला है नहीं। और वो भी सुनो, दौड़ लगा रखी है कईया ने, बाहर जान दो जिन्ना का फितरा आंदा है, ले आओ जी 50-50 रुपये। वो कभी इस्लाम नू भी पूछ लो फितरा देना किन्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मालूम कर लो कभी। गेहूं का फितरा साहबा ने दिया, खजूरों का फितरा साहबा ने दिया, किशमिश का फितरा साहबा ने दिया, सौगी बादाम का फितरा साहबा ने दिया। जिस बंदे के पास 52 तोले चांदी के मुताबिक रकम है, घर में सोना पड़ा है, जायदाद पड़ी है, अपने रहने के अलावा बहुत सारी जायदाद पड़ी है, वो साहिब निसाब में से है। अब जो लखपति है उसका भी 50 रुपये फितरा हुआ जी, कहां से निकाली है मंतिक? जो करोड़पति है उसका भी 50 रुपये फितरा हुआ, किसने कहा कि 50 रुपये हुआ? करोड़पति भी 50 रुपये फितरा दे, मजदूरी करने वाला भी 50 रुपये फितरा दे, ये समझाया किसने? आप साहिब निसाब हैं, अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है गेहूं से आगे बढ़ने की, तो खजूरों का फितरा दो। कितने की खजूरें आएंगी? कम से कम 200 रुपये किलो तो होगी ना, तो खजूर का फितरा एक आदमी का 500 रुपये बना। अल्लाह ने और ज्यादा पैसे दे रखे तो फिर किशमिश का फितरा दो, और ये डबल करके देना है जो आगे वालों ने देना है। गेहूं वालों ने एक देना है, आगे वालों ने डबल देना है। अब अगर कोई किशमिश का फितरा देने चला गया, 600 रुपये किलो है, 700 रुपये किलो है, तो उसको तो फितरा 2000 रुपये देना चाहिए। अब वो करोड़पति मियां सोच रहा ना जी, आपा तो 50 रुपये की रसीद कटाती, हो गया फितरा। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है कोई। जो जिस साहिब निसाब का है, और फितरा पहले अपने घर में अफराद को गिनिए, कोई बच्चा भी पैदा हुआ उसका भी फितरा उसी दिन डालिए, और फितरा हाथ में ले के पहले अपने दाएं बाएं देखो। मदरसा हमारे पास भी है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं इस बात को, मदरसे वालों को ज़कात दीजिए, सदकात दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन फितरा जिस काम के लिए बनाया गया, फितरा जिस काम के लिए फर्ज किया गया, क्या वो काम अदा नहीं होगा? क्या उन गरीबों को लुकमा नहीं दोगे? क्या उनका ईद के ऊपर कोई हक नहीं है? लोग तड़प रहे हैं, सफेद लिबास वाले लोग खामोश होकर अपने घरों में बैठे कि शायद किसी सरमायादार को पता लग जाए। तो सरमायादार तो कहता कि पहले जाके रसीद कटवा के ऐलान कर दूं कि फलां चौधरी साहब ने इतने पैसे मदरसे के अंदर दे दिए, ये जो तेरे पड़ोस में बिलख रहे हैं इनका आप पर हक है। क़यामत वाले दिन पूछोगी, अल्लाह पूछेंगे कि मैंने तुझसे मांगा था, कर्ज मांगा था तुझसे, और वादा किया कुरान में कि तू मुझे कर्ज देगा मैं डबल लौटाऊंगा, तो उस वक्त क्या कहेंगे? नहीं जी नहीं, हमने तो अपना फितरा बिहार भेज दिया, हमने तो अपना फितरा यूपी भेज दिया, हमने तो अपना फितरा कश्मीर भेज दिया। जी पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, मुसलमानों अपनी रिवायतों को पहचानते रहिए। और एक और बात, ईद आ जाएगी कल या परसों, अब कईयों ने तो कसम ही खा रखी है, कहने जी कल ईद मनानी मनानी है। ऐसी कोई पाकिस्तान दे मौलवी है राती 11 बजे चन्न चाड़ दी। हमारे जो पड़ोस के मुल्क वाले रूए थे हलाल कमेटी वाले, वो कभी भी चन्न चाड़ सकते, भावे राती चाड़ दें भावे सवेरे चाड़ दें, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी रूएत हलाल कमेटियां उन सब में जैयद उलमाए कराम है, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम, बड़े बड़े मुहद्दिस, अलग अलग इलाकों के बड़े बड़े इमाम हैं। कुरान ने कहा चांद नजर आए तो रोजे रखो, चांद नजर आए तो ईद
मनाओ। अगर आज शाम को चांद नजर नहीं आया तो कल ईद नहीं होने वाली। रोजे फर्ज हैं, धक्का नहीं होने वाला है। इस्लामी हुकूमतों को ये बीमारी लग गई कि मुसलमानों की हुकूमतें बन के रह गई, इस्लाम की नहीं, जो बादशाह कहता है उसी के पीछे लग जाते हैं बस। अगर इस्लामी होती तो फिर और बात होती। तो आपको बता रहा हूं कि कुरान ने कहा है कि चांद देख के रोजे रखने शुरू करो, चांद देख के रोजे रखने खत्म करो, ईद मनाओ। अगर चांद आज नजर आ गया, कईयों ने तो पक्का वादा किया हुआ है, मौलवियों ने सुबह से ही मुझे फोन किए जा रहे हैं कि हजरत शाम नू पक्की है ना, फिर आज सुबह से ही मैं कह रहा हूं बार बार, भाई चांद नजर आएगा तो बताएंगे। नहीं नहीं तुसी दसो सच्ची सच्ची शामी पक्की है ना फिर आज। अल्लाह के बंदे, चांद नजर आएगा तो ईद मनाएंगे, नहीं नजर आएगा तो एक रोजा और रखेंगे, फिर उसके अगले दिन ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। ये रमजानुल मुबारक है, ये फर्ज रोजे हैं, इनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और एक बात, ईद आएगी कल या परसों, नमाज कहां पढ़नी है? पूरे मुल्क में कहाँ नमाज पढ़ते हैं? कुछ शहरों में ईदगाह है नहीं, लेकिन पूरे मुल्क के जिन शहरों में ईदगाहें हैं वहां मुसलमानों क्या काम शुरू कर लिया? अब खुदा के लिए अपनी इज्जत अपने हाथों ना खराब करो। जो बंदा नशा करता है ना कोई, वो सोचता है पता नहीं इसमें फला फला का किसी का नुकसान नहीं होना, उसी का होना है। कोई आदमी अगर कोई मंशियात की चीज खाता पीता हो, नुकसान किसका है जी? उसी का है, दूसरे का है नहीं। जुमा क्यों बनाया? ईद क्यों बनाई? नमाजों में बाजमात अदायगी के लिए क्यों कहा? इमाम को आगे क्यों खड़ा किया? ताकि मुसलमानों तुम्हारी शान कायम रहे, तुम्हारी अजमत कायम रहे, तुम्हारा जाहो जलाल कायम रहे, तुम्हारे में इत्तफाक रहे, तुम में प्यार रहे, तुम्हारी सफ़ें दुरुस्त रहें, अल्लाह तुम्हारी इज्तमाइयत पर अपनी रहमतें नाजिल करवाएं। ये क्या तमाशबीनी शुरू कर दी कि गली मोहल्लों की मस्जिदों में ईद हो रही है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में गली मोहल्लों की मस्जिदों में ईद होती थी? ये क्या नया तमाशा बनाया कि छोटी छोटी मस्जिदों में, आप दिल्ली भी जाएं, मैं हैरान रह गया, एक मर्तबा देखा छोटी छोटी मस्जिदों में ईद की नमाज हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें जामा मस्जिद दी, अल्लाह ने तुम्हें ईदगाहें अता फरमाई, अल्लाह ने तुम्हें इज्तमाइयत का मौका दिया, अल्लाह ने ईद के दिन एक दूसरे से मिलने का मौका दिया, ईद के दिन खुशियां बांटने का मौका दिया, ईद के दिन एक दूसरे की शक्लें देख के खुश होने का मौका अदा किया। तुमने क्या करना शुरू कर दिया कि नहीं जी, हम तो अपनी ढाई ईंट की मस्जिद में नमाज होगी, सवाब मिलने वाला है नहीं। पता नहीं कहाँ से फतवे बना के लाते हो। कौन कहता है कि मुसलमानों की इज्तमाइयत को तोड़ना सवाब का काम है? अब ईद वाले दिन भी इस्लाम को धक्का लगाना शुरू कर दिया। ईद वाले दिन भी रसूलुल्लाह की नौज़बिल्ला मुखालफत करते हो। नबी अलैहिस्सलाम कहां गए ईद पढ़ने? पूछो जाके अपने मौलवियों से, रसूलुल्लाह ईद पढ़ने कहां गए? नबी अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज कहां पढ़ी? हजूर नबी अलैहिस्सलाम ईदगाह के लिए तशरीफ लेके जाते थे। सारी ईदों पर नबी अलैहिस्सलाम, एक मौका शायद मिलता है कि शायद किसी वजह से या बारिश की वजह से या किसी और वजह से, वरना नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम ईदेन की नमाजें ईदगाह में अदा की हैं। आपके पास ईदगाहें मौजूद हैं, मरकजी मस्जिदें मौजूद हैं, कि क्यों मुसलमानों का शिराजा बिखारने में लगे हो? किस हद तक इस्लाम को नुकसान पहुँचाओगे? कभी अपने गिरेबान में झाँक के देखो, किस हद तक? पहले तीन दिन की तरावियों की तमाश भी नहीं, छह दिन की तमाश भी नहीं, अब ईद के दिन गली मोहल्लों के अंदर ईद? अब ईद की नमाजें छोटी छोटी मस्जिदों में 100-100, 200-200 लोग अदा करें?
सुन लो मुसलमानों, कोई मुफ्ती मौलवी सरकार के कहने पर, कोई बड़े से बड़े इस्लामी मुल्क के बादशाह के कहने पर जितना मर्जी ये कहता रहे कि आओ फला फला छोटी मस्जिदों में नमाज हो जाएगी, रसूलुल्लाह की मुखालफत करके इस्लाम को पा नहीं सकते, रसूलुल्लाह की मुखालफत करके खुशियां नहीं पा सकते। इसलिए पलटो अपने रब की तरफ और अपने रसूल की तरफ और पता करो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ईद कैसे मनाते थे। वहाँ पढ़िए ईद जाके जहाँ मुसलमानों के बड़े इज्तम होते हैं, जहाँ ईदगाहों में जामा मस्जिदों में नमाज होती है। मैं अक्सर पूछा करता हूँ, एक आलिम मेरे पास बिहार से आए, मैंने उनसे भी पूछा, यहाँ बस्ती जोधेवाल में घर में जुमा कराते, मैं कहा वहाँ तुम्हारे गांव में जुमा हो जाता है कि नहीं? गाँव में तो नहीं होता। मैं करवा के देखो कि नहीं जी, मुसलमान लठ बजाएंगे कि तू गांव में कैसे जुमा करवा रहा है। अच्छा, तो वहां दीन और है, यहां दीन और है? वहां नहीं होता, यहां हो जाता है। याद रखिए, अपनी जिंदगी में जितनी मनमर्जी कर लीजिएगा, जो बंदे की मनमर्जियां होती हैं ना, अल्लाह माफ कर देते हैं। लिख लो इस बात को दिल की तख्ती पे। जो हमारी जाती मनमर्जियां होती हैं ना, फिर चाहे उनमें चोरी हो, डाका हो, बेईमानी हो, जो मर्जी गुनाह हो, ये सारी मनमर्जियां अल्लाह के आगे जब बंदा रोता है ना तो माफ हो जाती हैं। लेकिन जो दीन के अंदर गुंडागर्दी करना चाहता है, जो दीन में मनमर्जी करना चाहे, क्योंकि ये दीन हमारा नहीं है, इसके मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हम इसके चौकीदार हैं। चौकीदार को तो कोई हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से कहे कि मैं जायदाद बेच दूं या बढ़ा दूं या कम कर दूं। हम चौकीदार हैं दीन के, मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। जो लोग दीन में गुंडागर्दी करना चाहते हैं, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर सख्त पकड़ के अंदर आ जाएंगे। इसलिए जो मर्जी कर लीजिए, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना कीजिएगा। करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करनी है कि ईदगाह में नमाज पढ़ें, ईदगाह नहीं है जामा मस्जिद में पढ़ें, शहर की और किसी बड़ी मस्जिद में पढ़ें, अपने इलाके के बड़े इज्तमा में पढ़ें। लेकिन ये जो गली मोहल्लों में जहाँ 100 आदमी 200 आदमी 150 आदमी छोटी छोटी नमाजें पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस नमाज पढ़ाने का, कोई फ़ायदा नहीं है। रसूलुल्लाह की इत्तबा कीजिए, इस्लाम की इज्तमाईयत को ना ख़राब करो। किसी ने कहा है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। तो इसलिए ये जो रात आ रही है, अब आज की रात या कल की जो भी ईद की रात होगी, ये अपनी मजदूरी लेने की रात है अल्लाह के हुजूर, तो इस रात को ज़ाया नहीं करना इंशाअल्लाह। अल्लाह से खूब मांगना है और अपनी गलतियों की तलाफी करनी है। और एक अच्छा मुसलमान, हम पॉजिटिव वेव के लोग हैं, मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बचपन से सिखाया कि बदतरीन हालात में अच्छा सोचना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हम ऐसे नहीं सोचते कि रमज़ान के बाद मस्जिद खाली हो गई, हम ऐसे सोचते हैं कि रमज़ान के बाद पिछले साल एक सफ़ थी, आज 6 सफ़े हैं, इसका मतलब इन रोज़ों ने हमें 5 सफ़ों का इजाफा अदा कर दिया। तो आज की रात या कल की रात अपने रब से पूरी दुनिया के लिए दुआएं मांगें, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।